तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग्स में फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानना चाहते थे कि इतनी जल्दी मैंने चैनल कैसे मोनेटाइज किया और 4000 घंटा कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 4000 घंटा पूरा नहीं होता है। और ऐसे में तो बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो मेहनत करते हैं और वॉच टाइम 1500 हुआ, 1200 हुआ, फिर वॉच टाइम बढ़ने की बजाय घटने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि वॉच टाइम बढ़ता नहीं है बल्कि घटने लगता है? और इतनी मेहनत करके वॉच टाइम हमने बढ़ाया, जितने भी 500 600, वो फिर माइनस हो जाता है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पिछले 3 साल से मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अपना जो है शेयर करना चाहती हूँ कि आप वॉच टाइम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल कम समय में। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं जिस तरीके से मैं बताती हूँ इस तरीके से, तो हो सकता है कि आपका चैनल 3 महीने में मोनेटाइज हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 3 महीने का समय लगेगा, वैसे तो उससे कम समय में ही हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो है कि आपको रेगुलरली वीडियो पोस्ट करना है, ठीक है? और ऐसे में आप वॉच टाइम के लिए डेली ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि ब्लॉग बनाने के लिए हमारे पास टॉपिक ही नहीं रहता है, तो देखिए, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके पास बहुत सारा टॉपिक है। आप ब्यूटी का ब्लॉग्स बना सकते हैं, आप रेसिपी का ब्लॉग बना सकती हैं, आप कहीं घूमने गए उसका बनाइए, डेली रूटीन का बनाइए। आपके पास ब्लॉग बनाएंगे तो डेली ब्लॉग बनाने का कुछ ना कुछ है, क्योंकि लेडीज़ लोगों का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। सुबह से लेकर शाम तक अगर वो अपना डेली रूटीन भी दिखाती हैं ना डेली, तो उनका एक ब्लॉग तैयार हो जाएगा प्रॉपर। तो आप डेली ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, उससे भी आपको वॉच टाइम मिलेगा। अगर आप ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइमिंग भी नहीं मिल पाता है डेली ऑन कैमरा रखने का, तो आप सबसे आसान तरीका है लाइव ऑन कर सकते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा लाइव नहीं चलता है, ठीक है? लेकिन लाइव नहीं चलता है तो देखिए, उसका रीज़न ये है कि आपका चैनल डाउन है। अभी अभी आपका चैनल रनिंग में नहीं है, चैनल डाउन है इसलिए लाइव नहीं चल रहा है। लेकिन सब्र रखिए, लाइव चलेगा, इस बात की 100% गारंटी है कि लाइव चलेगा। लेकिन कैसे उसको मैं आज बताती हूँ, सुनिएगा जरूर और पूरे ब्लॉग्स को देखिएगा आप लोग, जब ही आप लोगों को सही जानकारी मिल पाएगा। आप लाइव को भी रेगुलरली आपको आना है, आप समझ रहे हैं? आप लोग क्या करते हैं, आज लाइव आए, फिर आपने देखा कि ये व्यूज नहीं जा रहा तो आप लाइव बंद कर देते हैं, फिर आप 3 4 दिनों तक लाइव ही नहीं आते हैं, फिर आप 3 4 दिनों बाद लाइव ऑन करते हैं, फिर नहीं चलता है। तो इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप लाइव आ रहे हैं तो आपको रेगुलरली लाइव आना है, 15 मिनट, आधा घंटा, आपके पास जैसा भी टाइमिंग हो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही देर रहिए, लेकिन आप अपने टाइमिंग के हिसाब से ही लाइव में आइए, लेकिन डेली लाइव आइएगा जरूर, ठीक है? तो चलेगा, इस बात की गारंटी है कि चलेगा लाइव। लेकिन किसी भी चीज़ पे रेगुलरली काम करना पड़ेगा, और घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब हो या कोई भी चीज़ हो, इतनी आसानी से नहीं होता है, उस पर मेहनत करना पड़ता है, ठीक है? तो चलेगा जरूर। और मैंने भी ब्लॉग ब्लॉग तो मैं पोस्ट कर रही थी, लेकिन रेगुलरली ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मेरे पास भी काम होते हैं इसी वजह से। लेकिन मैंने भी लाइव ऑन करके ही अपना जो है वॉच टाइम कंप्लीट किया था। तो आप लोग भी 4000 घंटा बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है कि वॉच टाइम घट क्यों रहा है, उसका रीज़न ये है कि आप एक दिन लाइव ऑन करते हैं और फिर आप 1 महीना या 1 हफ्ता के लिए गायब हो जाते हैं, आप लाइव नहीं आते हैं। फिर आप 1 सप्ताह बाद, 15 दिन बाद, महीना दिन बाद लाइव में आते हैं, तो इसी वजह से वो लाइव जो है ना डिस्काउंट होता है, वो जो लाइव का वॉच टाइम होता है वो कटता है, माइनस होता है। और वॉच टाइम ही नहीं, व्यूज भी आपका कटेगा, व्यूज भी आपका डाउन हो जाएगा। डेली काम करना है, डेली शॉर्ट हो या ब्लॉग हो, डेली पोस्ट करना है, यूट्यूब पे बिल्कुल एक्टिव रहना है आपको। अगर आप कमा रहे हैं तो आप अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपको इनकम कहाँ से आएगा? अगर आप बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो यही सीन यूट्यूब में भी है। अगर आप रेगुलरली यूट्यूब
को टाइम नहीं देंगे तो यूट्यूब में व्यूज कहाँ से आएंगे, वॉच टाइम कहाँ से आएगा। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कॉमेंट्स कीजिएगा, और मैं डेली अब यूट्यूब चैनल पर अपने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जरूर आऊँगी। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे डेली ब्लॉग में। ठीक है, आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, डेली काम कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।